औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम डिस्कस करते हैं जी मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ब्लेसिंग द वर्ड ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पन्ना नंबर 98 जिसमें 7172 7172 के अंदर उन्होंने ये बयान फरमाया है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा नवीसी एंड डिस्क्रिप्शन और शगिर्दी आर लिमिटेड, ये सब जो है वो चंद दिन के लिए होता है, बिल्कुल मखसूस है, टोटली लिमिटेड, मुकम्मल तौर पर मखसूस है कि जो हम शिगिर्दी करते किसी की 4 दिन उसकी की और उसके बाद जो है हमने अपना मतलब खोल लिया और फिर अपना काम चलाना शुरू कर दिया, या किसी के पास कुरान पाक हिफ्ज किया, किसी से कुरान पाक पढ़ा, किसी से 4 दिन लेक्चर लिए। तो ये आर्जी चीजें हैं कि हम जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं, शिगिर्दी करते हैं, या कि हम जो है वो नुस्खा नवीस बन जाते हैं, या उसको जो है वो चलाने वाले बन जाते हैं, तकरीर करने वाले बन जाते हैं, या एक मालिक बन जाते हैं, ये एक लिमिटेड चीजें है। एंड कंप्राइजिंग ऑन द इंडिविजुअल, ये हर बंदे पर मुनहसर है, हर बंदे के ऊपर जाइए पर मुश्तमिल है कि वो कैसे इसको जो है ये डील करता है, कैसे इसको चलाता है, कि वो जो अगर वो प्रिस्क्राइबर है तो वो कैसे प्रिस्क्राइब करता है, अपने नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करता है, अगर वो शागिर्द है डिस्क्राइबर है तो वो उसको जो है वो कैसे लेता है और कैसे आगे चलाता है। लेकिन असल बात क्या है, द सेशन ऑफ द जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र का जो सेशन है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है इज अनलिमिटेड, इसकी कोई जो है वो नाम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जो है महदूद नहीं है, ये लामहदूद है। जिक्रुल्लाह जब मर्जी करते रहे, जितना मर्जी करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे अल्लाह के जिक्र है, तो जितना मर्जी करते रहे, इसमें शिगिर्दी भी कोई नहीं है, ना ही अल्लाह का कोई शिगिर्द है, ना ही जो है वो इसमें जो है कोई बुराई है, ये जितना मर्जी करते जाए, लेकिन अल्लाह से आपका राबता हमेशा कायम रहेगा। जब आप जिक्रुल्लाह करेंगे तो ये जिक्र अल्लाह का जो है ये इससे अल्लाह से आपका राबता हो जाता है, अल्लाह के नाम पुकारने से अल्लाह आपके जहन में आ जाता है, उसकी खूबियाँ आपके जहन में आ जाती है, उसकी जो रबानियत उसे आपके जहन में आ जाती है, उसकी जो है वो हिकमत आपके जहन में आ जाती है, उसकी तमाम खूबियाँ जो उसके नामों में मौजूद है वो आपके जहन में आ जाती है। तो इसलिए जो है वो जिक्रुल्लाह जो है वो अनलिमिटेड है। सरकमबेंशन ये इसलिए घेरा हुआ है पूरी दुनिया को, ऑफ द अर्थ जमीन को एंड द स्काईज और तमाम आसमानों को, स्काईज जो है वो मैनी में इस्तेमाल किया गया है, एस के आई ई एस के लफ्ज से, एस के आई वाई स्काई एक आसमान होता है, यहाँ पे आसमानो अर्थ और समानो, अर्थ जमीन एक है और आसमान बेशुमार है, इसको घिरा हुआ है। जब हम जिक्र करते हैं, जिक्र इलाही करते हैं, तो ये जो है वो आसमान तक जाता है और आसमानों को जीतता हुआ अल्लाह की जो है वो रजा के लिए चला जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है हमारा जिक्र, और अल्लाह हमारे शहर आके करीब है और वो हमें जान जाते हैं, जिसकी वजह से जो है स्काइज वंडरिंग अवे वेयर एवर, ये हमेशा जो है बेहतर रहता है, चलता रहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये जो है वो वंडर करता रहता है। हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, और कोई भी अल्लाह का नाम पुकारते हैं, अल अजीजों कहते हैं, अल जबारों कहते हैं, अल कहारों कहते हैं, अल गफारों कहते हैं, अल मौज़ल कहते हैं, अल जो है वो
कोई भी अल्लाह का नाम जब पुकारते हैं तो वो इस तरह से घूमता रहता है। अजान भी जो है वो साइंसदानों ने देखा कि ऊपर जाके जो है वो घूमती है, ऊपर एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर की जो है आवाज सदा बुलंद होती है तो आसमानों को चीरते हुए अल्लाह की जो अर्श अल्लाह पर पहुंच जाती है और सिद्रतुल मुंतहा पर पहुंच जाती है जो अल्लाह को सुनाई दे देती है। तो इस तरीके से जब जिक्र ख्याल बुलंद होता है तो वो जो है अल्लाह को सुनाई देता है, हमारे दिलों की धड़कन के अंदर जब अल्लाह का जिक्र आ जाता है तो हम अल्लाह ताला उसको जो पसंद करते हैं और वो जो है वो अल्लाह ताला के जो है पेश हो जाते हैं। इस तरीका से जो है वो एंड इट विशेज इट वुड विशेज और ये जो है वो हमारी ख्वाहिश जब होती है इट कंटिन्यू टू रिमेन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए रहता है। हमारा आज का जिक्र जो है वो हमेशा काउंट हो जाएगा और जो है वो अगले जहान तक वो रहेगा। तो इस तरीका से जो है ये जिक्र अल्लाह जो है ये बहुत जबरदस्त चीज है और इस तरीके से जो है हम जिक्र अल्लाह को जो है जानते भी है और मानते भी है। तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला जो है जितनी भी जो होता है इसमें जो है वो जाना जाता है और माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो निजाम चल रहा है इसके अंदर अल्लाह का जिक्र है। तो आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब की जो है ये प्रेजेंटेशन है जहनी सेहत पर जोर इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर की प्रेजेंटेशन है, उनके हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब की जो है प्रेजेंटेशन जो है ये हम शेयर करते हैं आपस में जो है इस तरह से जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको आपके जो है वो शेयर कर लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्रोफेसर इम्तियाज डोगर साहब जो है ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकेट्री के हमारे यहाँ पे हैं। तो इनकी जो है ये हम प्रेजेंटेशन जो है एम्फेसिस ऑन द मेंटल हेल्थ के बारे में हम जानते हैं जी। तो हेल्थ क्या है, सबसे पहले WHO के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है, सेहत की तारीफ क्या है। सेहत की तारीफ जो है तबई जहनी सामाजिक और रूहानी तौर पर मुकम्मल तौर पर अच्छा होने को सेहत कहते हैं जिसमें कोई बीमारी या बाजपन ना हो। डेफिनेशन इसकी है जी, इट इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इनफर्टिलिटी। इसमें जो है वो इसमें कोई भी जो है बाजपन भी ना हो तो इसको जो है वो सेहत कहते हैं जी। तो आगे है जी, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, बगैर जहनी सेहत के कोई भी सेहत नहीं है। अगर जो है वो जहन सेहतमंद होगा तो आप सेहतमंद होंगे, अगर जो है जहनी तौर पे आप सेहतमंद नहीं है तो आप जो है वो नहीं सेहतमंद है। इसके बाद है जी, व्हाट इज द मेंटल हेल्थ मीन, मेंटल हेल्थ का जो है वो क्या मतलब है। ये जाती और अनुमानाती तौर पर जो है वो होती है, इट इज सब्जेक्टिव एंड द फंडामेंटल पर्सनल। मेंटल हेल्थ जो है वो जाती भी होती है और जो है वो अनुमानाती भी होती है और सब्जेक्टिव भी होती है। तो इसमें जो है क्या होता है, ए सेंस ऑफ द इंटरनल वेल बीइंग, जिसमें जो है वो इंसान अंदरूनी तौर पर जो है वो सेहतमंद होने का तसव्वुर करता है या ख्याल करता है। नंबर दो,
feeling line with one all beliefs all and the value जिसमें अपनी महसूसात और यकीन के बारे में जो है वो जानता है feeling at the peace with oneself जिसमें वो अपने अंदर जो है ये महसूस करता है कि मेरे अंदर जो है ये अपने आप को अमन में महसूस करता है अमन वाली जिंदगी को महसूस करता है तहफ्फुज वाली जिंदगी को महसूस करता है फीलिंग पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ इसमें जो है वो अपने आप को मुस्बत सोच वाली अहमियत वाली जिंदगी रखता है तो ये है असल में जो है ये मेंटल हेल्थ इसको कहते हैं व्हाट इज द मेंटल हेल्थ मीन इसका मतलब ये है कि इस तरीके की जिंदगी जिसके अंदर हो तो वो जो है वो मेंटल हेल्थ को जो है वो कहलाता है जी व्हाट मेंटल हेल्थ स्टेट वेल बीइंग इज इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज can cope with the normal stress of life, can work productively, and is able to make contribution with his or her community. अपनी ब्रादरी के साथ जहनी सेहत जिसमें अपने आप को महसूस करता है कि आप अच्छे हैं अपनी सलाहियत और जो है वो तावन को के साथ जो है वो आम जिंदगी नॉर्मल परेशानियों को बर्दाश्त करता है और पैदावारी काम करता है और अपनी बरादरी के अंदर तमाम मालूमात में हिस्सा लेता है तो इसको जो है वो कहते हैं जी मेंटल वेलबींग वेलबींग क्या है असल में वेलबींग इज एक्सपीरियंस ऑफ द हेल्थ जिसमें जो है वो हम हेल्थ का एक्सपीरियंस करते हैं हैप्पीनेस खुशी का इसमें हम जो है वो अच्छा होना का तजर्बा करते हैं सेहत का होने का तजर्बा करते हैं जिसमें खुशी और खुशहाली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी खुशी और खुशहाली इन एंड वी आर हैविंग गुड मेंटल हेल्थ जिसके अंदर एक खास बंदे के अंदर जो मुकम्मल तौर पर जो है जहनी सेहत होती है हाई लाइफ सेटिस्फेक्शन वो अपनी जिंदगी को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी जिंदगी से मुतमिन होता है द सेल्स मीनिंग पर्पज जिसमें जो है वो मकासद को और मानिक उसमें शामिल होते हैं एंड अबिलिटी टू मैसेज स्ट्रेस मैनेज स्ट्रेस जो वो जो है वो स्ट्रेस को जो है वो काबू पाने में अंदर जो है वो अहम करदार अदा रखता है तो वो जो है स्ट्रेस के ऊपर जो है वो आसानी से काबू पा लेता है इसके बाद भी वेलबींग जो है ये जो है ये छह चीजों पर मुश्तमिल है वेलबींग जो है वो छह चीजों पर मुश्तमिल है नंबर एक है जिसमें स्पिरिचुअल नंबर दो फिजिकल नंबर तीन मेंटल नंबर चार जो है ये फैमिली नंबर पांच इमोशनल और नंबर छह जो है ये सोशल इसका मतलब ये है कि ये वाली चीजें जो है बेसिकली तौर पर छह चीजें जो है स्पिरिचुअल भी रूहानी तौर पर वो बेहतर फील करता है जहनी तौर पर बेहतर फील करता है फैमिली के साथ उसका रवैया अच्छा होता है उसका जज्बाती रवैया इमोशनल अच्छा होता है सोशल मतलब सामाजिक रवैया उसका अच्छा होता है और तबीयी रवैया उसका अच्छा होता है तो इसको जो है ये मेंटल स्टेट जो है वेलबींग कहते हैं डोमेन्स ऑफ द वेलबींग जो है अच्छा होने के क्या मकसद है इसकी अहमियत क्या है डोमेन्स क्या है तो आइडेंटिटी सबसे पहले आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब है बीइंग वेल नोन जिसमें जो है हम जानते हैं कि ये वाला जो है ये हमारे जो है वो अपनी शनाख्त क्या है हम जो है वो कैसे हैं अच्छा होने वाला जो है वो अपनी शनाख्त को जानता है और दूसरे नंबर पे है जी कनेक्टेडनेस तो इसका मतलब किसी भी से मुंसलिक होने से मोहब्बत करने के साथ देने को वो जानता है कि कोई मेरा साथी है या नहीं कोई मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं कोई कोई मेरे साथ कनेक्टिव है या नहीं है तो सपोर्टिव
सिक्योरिटी का मतलब यह है कि उसको आप हाफत या हफाजत उसको जो है वो महसूस करता है अपने अंदर, वो अपने आप को महफूज जो है वो महसूस करता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब कि वो अपने आप को खुद मुख्तार, वो हमेशा जो है वो अपने आप को खुद मुख्तार महसूस करता है, तो वो कोई भी चीज़ खरीद सकता है, कोई चीज़ बेच सकता है, और वो जो है किसी जगह पे भी रह सकता है, और वो इस तरीका से जो है वो अपनी च्वाइस के मुताबिक वो तमाम सेंसेस उसके तरफ काम करते हैं, और जो भी चाहता है वो अपने सेंसेस के मुताबिक जो है वो अपने कामों को सर अंजाम देता है। इसके बाद है जी मीनिंग, मीनिंग पर्पज ऑफ द होप, जिसके अंदर जो है उसके अंदर जो है वो होप क्या है जी, यानी कि जो है वो उसके मकासद क्या है, और उसके बाद जो है उसको उम्मीद क्या है। मकासद का मतलब है मतलब, पर्पस का मतलब है मतलब उसका जिंदगी का क्या है, और पूरा उम्मीद रह कर जिंदगी कैसे गुजारता है। ग्रोइंग, ग्रोथ या ग्रोइंग का मतलब जो है ये बढ़ोतरी या बढ़ना, जैसे कि हम जो है वो एक तय को जो है खोलते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, तो इस तरीका से जो है हमारी ग्रोथ जो है वो होती जाती है, यानी कि उसको जो है उम्मीद होती है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के उसको जो है वो 90% जो है वो चांसेस होते हैं। आगे जी जॉय, खुशी, वो कंटेंट करता है जी जिसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है तनाव कर सकता है, और जिसकी वजह से उसको खुशी मुहैया होती है, तो ये जो है ये इसको वेल बीइंग कहते हैं, जो जो कि स्पिरिचुअल तौर पे यानी कि रूहानी तौर पे, मेंटल तौर पे, फैमिली के साथ इमोशनल जज्बाती तौर पे, और जो है वो सामाजिक तौर पे और तबीयी तौर पे जो है अपने आप को बेहतर फील करता है। ये एक चार्ट है जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चार्ट है, जहनी और मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग जो है इसके अंदर बताया गया है। इसमें जो है सबसे पहले जो है हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, रिलेशनशिप विद दी अदर, कि दूसरों के साथ आपके तलकात कैसे हैं, जिसमें दूसरों को घरों घर वालों से जो है दूसरों के तलकात का तरीका और जज्बात जो है इमोशंस कैसे हैं आपके, इसी तरह से जो है दूसरों के साथ बस्ती कैसी है, कि आप जो है उनको एंगेज करते हैं या नहीं करते, तो उनके साथ टाइम गुजारते या नहीं करते, दोस्ती है आपकी या नहीं है, तो एंगेजमेंट उसको कहते हैं, वस्ती कहते हैं। तो इस तरीका से आपके दोस्त कैसे हैं, आप जो है वो कैसे दूसरों के साथ जो है वो रवैया रखते हैं। इसी तरीका से बुनियादी जरूरियात, बुनियादी जरूरियात में जो है वो खाना पीना, और उसके बाद जो है कपड़े, और उसके बाद जो है रिहाइश, और उसके बाद जो है ये हेल्थ केयर जो है वो दवाइयाँ वगैरह, आपकी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन, माशी हालत कैसी है, और जो है आपकी तालीमी हालत कैसी है, तो ये जो है बेसिक नीड्स की हमें ज़रूरत होती है, यानी कि तालीम की ज़रूरत होती है, रिहाइश की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, और उसके बाद कपड़ों की ज़रूरत होती है, और उसके बाद जो है वो हमें अद्वियात या अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए मॉलेज की ज़रूरत होती है, और हमारी माशी हालत बेहतर होनी चाहिए, जिसमें हमें माशी तौर पर जो है वो सुकून मिलना चाहिए। हैविंग कंट्रोल ओवर दी वन्स लाइफ, जिसके में जो है वो अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल होता है, अपने आप को अहमियत देकर जो है वो शक्ल देता है कम्युनिटी, यानी कि बरादरी के अंदर माशरा के अंदर अहम किरदार अदा करता है, फैसला करने की सलाहियत रखता है, अपनी इज्जत करवाता है और दूसरों का एहतराम करता है। ये जो है हैविंग कंट्रोल ओवर वन्स लाइफ। इसके बाद है जी अपने बारे में रवैया, एटीट्यूड अबाउट सेल्फ, तो इसके अंदर जो है मुस्बत होना चाहिए, बाएतबाद होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकतवर होने का जो है वो एहसास होना चाहिए, और इसी तरह से अपने ख्याल का इजहार करने की जो है वो मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, और खुद को जो है वो इज्जत दे और दूसरों की भी जो है वो दूसरों से इज्जत करवाए। जब आप अपनी इज्जत जो है वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। पर्पसेस ऑफ द लाइफ, कि आपके जिंदगी के मकासद क्या है, उन जो लोग जो है वो मेंटल हेल्थ रखते हैं वो जो है वो पूर्ण मकसद जिंदगी गुजारते हैं, वो अपनी जिंदगी के मंजिलें उनकी जो है मुकर्रर होती है, उसको जो है कि इस तरीका से वो अपने आप को जो है वेल बींग के तौर पर जो है वो हैविंग जिंदगी में उम्मीद रखते हैं, और उनकी मंजिल जो है मकसूद होती है,
जिसकी वजह से जो उनका मुस्तकबिल जो है वो पुरउम्मीद होता है, जिंदगी की ख्वाहिश को मुकम्मल करने और तकमील करने में वो अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से जो हमेशा कोशिश करते हैं काम जिंदगी को पुरसकून और पुरअमल जो है वो गुजारे। इसके बारे में ये अभी हमने बात की जी, बड़ा अच्छी बातें हमने की, थोड़ी सी शायद लोगों को पसंद भी आई होगी, मेरे दोस्तों को खास तौर पर पसंद आई होगी। तो ये वाला जो है इसमें जो है वो हेल्थ क्या है, बेसिकली तौर पर हेल्थ का मतलब सेहत है, जिसमें इमोशनल जज्बाती सेहत होनी चाहिए, इसके बाद जी मेंटल यानी कि जहनी सेहत होनी चाहिए, इसके बाद जी सोशल माशरती सेहत होनी चाहिए, स्पिरिचुअल रूहानी सेहत होनी चाहिए, और उसके बाद फिजिकल यानी कि आपको तबई लिहाज से जो है बेहतर होना चाहिए, वाई फिजिकल एंड मेंटल। तो हमें जो है वो मेंटली तौर पे क्यों जो है वो रूहानी तौर पे क्यों बेहतर होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो जानते हैं कि रूहानी तौर पे बेहतर होने से जो है वो क्या होता है। तो इसमें जो है रूहानी तौर पर बेहतर होने से जो है वो क्या होता है जी, जहनी और दिमागी हालत जो है, मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द माइंड, जिसमें जो है दिमाग की हालत से हमें पता चलता है, इट अलाउड द आइडेंटिटी ऑफ द कॉप विद द चैलेंजेस, कि हम जो चैलेंजों का मुकाबला कैसे करने की सलाहियत रखते हैं, दिमाग किसी भी वक्त जो है गलत सोच को मुस्बत के साथ जो है वो तब्दील करने और सोच को बदलने से जो है वो इसके जराये पैदा करने की कोशिश करता है। ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें महफूज रखते हैं, और जिसकी वजह से हम ये मेंटल हेल्थ को जो है वो अप्रोच कर लेते हैं। तो उसके बाद जी हमारे पास जो है वो जहनी सेहत जो है वो ना होना, जिसमें जो है जिस्मानी खराबियों का होना जो है ये भी एक जो है वो बहुत बड़ी बात है, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर मेंटल हेल्थ जो है वो अगर जो है अब्सेंस होगी तो इसमें जो है क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर होंगे, जिसमें जो है वो जहनी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, और जहनी डिसऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा आगे हम नुकसान इसके पड़ेंगे। मेंटल हेल्थ इज ओवर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ जो है वो हमें जो है जहनी सेहत जो है वो हमें चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हमारे जहन की रद्द अमल की सलाहियत को सलाहियत है, जो कि हमारे जहन में हर वक्त जो है वो रहती है। तकरीबन 20% से ज़्यादा लोग अराउंड ऑफ द वर्ल्ड 20% चिल्ड्रन एंड एडल्ट आर द मेंटल डिसऑर्डर्स और द प्रॉब्लम, इसमें जो है 20% से ज़्यादा दुनिया के लोग और बच्चे और बड़े जो है जहनी मुश्किल या उलझलों और खराबियों का शिकार है। ये जो है ये सर्वे रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो है ये हर वक्त जो है ये टेंशन जो है वो लोगों को लगी हुई है। इसके बाद है जी मेंटल एंड द सब्सटेंस टू यूज द डिसऑर्डर आर द लीडिंग कॉज ऑफ द डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, जहनी दिमागी और मरकब खराबियाँ जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो मजदूरी का बायस बन रही है, डिसेबिलिटी जो है मेंटल डिसेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है, पागलपन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पर हमारे माशरा के अंदर ये तफरकात जो है और जितने भी जो है ये हमें जो है वो मकाम हासिल नहीं होता, एक बंदा जो है वो MBA करके या जो है वो PhD करके जो है मेरे जैसा जो है जब फारग रहता है तो उसको वो दिल टॉर्चर होता है कि ये जो मैट्रिक पास जो है इसको जो है जॉब मिल जाती है तो एक PhD बंदे को जो है जॉब नहीं मिलती। मेरे पास एक जो है एक बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो वो मेरे पास आया तो वो कहता जी मेरे सारे दोस्तों को जॉब मिल गई है, मुझे जॉब नहीं मिली, तो मैं जो है आज रात को खुदकुशी कर लूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, उसने जो है वो BS ऑनर्स इंग्लिश में किया हुआ था। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करना, आपने कल जो है वो मेरे पास तशरीफ लाना है तो मैं आपकी जॉब का कुछ करूंगा। तो इस तरीके से वो अगले दिन मेरे पास तशरीफ लाया तो मैंने उसको जो है ये कंप्यूटर में बिठा दिया, वो कंप्यूटर जानता था, तो
उसने जो है वो एक बंदा छुट्टी पे था हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसकी जगह पे उसने जो 500 रुपये हम डेली देते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो पर्चियां बनाते हैं, उसने जो है वो अपनी ऐसी कारकर्दगी शो की, तो आज वो परमानेंट मुलाजम है। तो इस तरीका से जो मेंटल सिचुएशन में जो है वो सुसाइड की तरफ जा रहा था, अल्लाह ताला ने उसको जो है सबब पैदा करके जब उसने मुझसे जिक्र किया, तो मैंने जो है वो उसकी जो है प्रॉब्लम को समझा और उसको जो है अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जगह दे दी। तो इस तरीका से आज वो जो है वो एडमिन ऑफिसर के तौर पर स्टैटिकल दफ्तर के अंदर वो काम कर रहा है। तो इस तरीका से बल्कि जो है तमाम जितने भी जो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका जो है वो उनका जो है ये हेड है। तो इस तरीका से हम जो है वो कह सकते हैं कि तकरीबन 8 लाख, 8 लाख से भी ज्यादा जो है वो आदमी जो है वो हर साल जो है वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, यानी कि जो है ये खुदकुशी की तरफ जाते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। हम खुदकुशी जो है वो इस्लाम में हराम है, हम इसको खुद पैदा कर रहे हैं। वजह ये है कि मेंटल टॉर्चर इतना ज्यादा हम कर देते हैं, बच्चों को मेंटल टॉर्चर करते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई बच्चे को फील्ड नहीं है, ठीक है, मेरे कोई भी बच्चा हिकमत की तरफ नहीं आया, तो मैंने उनको जबरदस्ती नहीं लेके आया, तो मुझे जो है मैंने उनको कभी मेंटल टॉर्चर नहीं किया। सिर्फ समझाता हूँ कि बेटा ऐसे कर लो, ये आपके लिए बेहतर है और ये आपके लिए नुकसानदेह, अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपको जो है नुकसान होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जो है वो आप जो है वो मेंटल टॉर्चर को जो है ये बचने की कोशिश करें। तो आप जो है ये मतलब कि जो है किसी को जब मेंटली टॉर्चर जब भी किसी से कुछ चीज छीनी जाती है, असल में ये हमारे माशरे के अंदर, हमारी बरादरी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है ये तफरका जो है असल में जो हम हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर दिए जाते हैं ऐसे लोग जो दूसरों के हकूक और अपने फराइज का ख्याल नहीं रखते और जो है लोगों से जो है वो इस तरीके से नफरत पैदा करने की और इस तरह अफरा तफरी पैदा करने की और ऐसी अफवाहें जो है वो उड़ाने की कोशिश करते हैं और खुद डरते हैं। उनको उनके दिलों में जो रब का खौफ नहीं होता, उनके अंदर जो बंदे का खौफ होता है, तो जिसकी वजह से ऐसी डिस्क्रिमिनेटिंग आ जाती है, ऐसी कमजोरियां आ जाती हैं जिसकी वजह से लोग जो है ये खुदकुशी की तरफ चल जाते हैं। हमारे माशरे के अंदर बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिलती, माशी तौर पर जो है वो जब उनको जो है वो उनके मियार के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। बाद लोग अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन सकते। बाद लोग जो है वो उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी भी जॉब के अंदर, तो वो जो है इतना पढ़ लिख के भी जो पीएल के तौर पर काम करता है। मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा देखा है जो कि एज ए जो है वो भर्ती हुआ हमारे महकमे के अंदर, जाइए खाकरूप के तौर पे उसको शर्म आती थी कि जब वो वॉशरूम साफ करता था, उसकी वजह ये थी कि और हमारे ग्रेजुएट, मैं एक ऐसे जो है वो टेप के ग्रेजुएट को जानता हूँ जो कि माली के तौर पे भर्ती हुआ है हमारे महकमे के अंदर। तो ये जो है हमारे लिए जाइए माशरती तौर पर जाइए इंतहाई ज्यादा जाइए, माशी तौर पर भी और माशरती तौर पर ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। कहाँ वो मैं रोज किसे सुनाता हूँ वो हकीम के कि जो जो है वो शहनशाहों के जो है वो हुक्मा हुआ करते थे और वो कैसे जाते थे, उनकी लाठियां कैसी होती थी, उनकी बग्घियां कैसी होती थी, उनके कुर्ते कैसे होते थे, उनकी कमीजें कैसी होती थी। और अब देखे कि हकीम को जाइए, मैंने देखा है एक हकीम को वो रिक्शा चला रहा है, मेरा दिल दुख होता है कि ये क्यों ऐसे है, ये हमारे माशरे ने जो उसको कबूल क्यों नहीं किया, उसके पेशे को क्यों नहीं कबूल किया, या उसने मेहनत नहीं की, या हमारे माशरे ने उसको कबूल नहीं किया। तो इसमें जो कोई वजूहत होती है तो हमें जो है वजूहत को ढूंढ के एक मालिश को जो है उसका इलाज करना चाहिए। बाकी हम प्रेजेंटेशन कल जो है वो इसके आगे चलेंगे। आज हम सुसाइड तक जो है बात की, जिसमें जो है वो बेसिकली तौर पर जावल साहब की तशरीफ ला चुके हैं, तो उनको भी हम मौका देंगे। तो इस तरीके से मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ। तो अल्लाह ताला हमारे जो है वो जो माशरती तौर पे हमें कमजोर कर रहे हैं, हमें माशी तौर पे कमजोर कर रहे हैं, उनको अल्लाह हदायत दे और हमारे लिए जो है वो ऐसी कम्युनिटी और ऐसी जो है वो सिचुएशन पैदा हो कि लोग हमें जाने। तो इस तरीके से जो है वो तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है जॉब मुहैया करे। और इस तरीके से कोशिश करने से होगा
मैंने आपको ये बताया कि हमारी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। जॉब्स हमारे जो है वो कभी छीन नहीं सकती गवर्नमेंट, अगर हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी तो जॉब नहीं छीने जाएंगे। जब हमारी कारकर्दगी जो है वो हमारे भाइयों के मुकाबले में जीरो होगी तो हम हीरो नहीं बन सकते। गवर्नमेंट को काम चाहिए, काम वो हमारी जो कारकर्दगी को देखती है। जब हमारे पास 10 मरीज आएंगे तो हमारी कारकर्दगी जो है उनके मुकाबले में क्या होगी। तो अल्लाह का शुक्र है, आप तो 150 मरीज के करीब जो है वो इस हमारे जो है के डिपार्टमेंट में 46 नंबर रूम में आता है। तो आखिर में जो है बहुत से दोस्तों ने ये कहा है कि आप अपने नंबर दें तो और ईमेल एड्रेस दें। कुछ दोस्त इस तरह से फोन करके जो कहते हैं जी ईमेल एड्रेस भेजें। तो सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलाइड हॉस्पिटल 2 के अंदर 46 नंबर रूम में मेरा प्राइवेट जो है वो सरकारी जॉब है। मोहम्मद रमजान हकीम मेरा नाम है। तो इस तरीके से जो है वो टेप ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ सिविल अस्पताल में। तो मेरा जो है ये फ़ोन नंबर 03017159146 है और मेरा ईमेल एड्रेस जो है Ramzan7159146 जो है @gmail.com है। ये बार बार मैं बता चुका हूँ, जिस चीज को भी जिसकी भी जरूरत हो, व्हाट्सएप भी मेरा नंबर यही है। तो आप जो है जब मर्जी जो है मुझे कॉल करके किसी भी सूरत में जो है वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और 46 नंबर रूम में जो है वो तशरीफ ला सकते हैं। रजाबाद में इस्लामी क्लिनिक के नाम से मैं काम करता हूँ, बाजार नंबर 1 के अंदर। मेरा 42 साल से रजाबाद में काम है। तो इस तरीके से जो है एक गुरुड़ा शरीफ डिस्पेंसरी चलाता हूँ। तो ये मेरे सारे काम है। एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और साथ जो है ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और साथ जो है डिस्पेंसर क्लास को पढ़ाता हूँ। एक क्लिनिक जो है वो उसके अंदर पढ़ाता हूँ। तो ये छोटे छोटे मेरे काम है। एक जगह पर ट्यूशन एक दो में पढ़ाता हूँ बायोलॉजी की और सेल बायोलॉजी की। ये छोटे छोटे काम है। मैं और इतना ज़्यादा बड़ा तो बंदा नहीं हूँ, छोटा सा बंदा हूँ। तो लिहाजा जो है ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने अपना तारुफ करवा दिया। तो बाकी जो है मेरी क्वालिफिकेशन और उसके मुताबिक जो है वो आपको पेंशन मैंने जो है श्रीलंका से किया है और आपको पेंशन जो मैंने डिग्री जो है ये चाइना से हासिल की और ऑस्ट्रेलिया से हासिल की है। और इस तरीके से मेरा तिब के अंदर जो है 42 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं तिबी कॉलेज जो है ये जामिया तिबी इस्लामी में पढ़ाता रहा हूँ। अलसेथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, हरिवर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ और इस्लामी बहावलपुर में पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। और जिस यूनिवर्सिटी से 2015 से लेके अब तक जो है ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से पढ़ाता हूँ, सारी ईस्टर्न मेडिसिन के बाकी तमाम डिपार्टमेंट में। फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया मैंने और फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी पढ़ाई इनको जो फिजियोथेरापिस्ट उनको, और इस तरह फिजियोलॉजी मेरा बेसिक जो है PhD मेरी फिजियोलॉजी है। तो इस तरीके से फिजियोलॉजी मेरा बेसिक सब्जेक्ट है। तो फिजियोलॉजी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पढ़ाता हूँ। 1988 से लेकर अब तक जो है ये मैपुर यूनिवर्सिटी से अटैच हूँ। बहुत शुक्रिया सबका और बहुत मेहरबानी सरकार।